शास्त्र का ज्ञाते कराता नीति शास्त्र का ऐसा मानस ग्रंथ लला भ्रष्ट भाव की चिता जलाता रोम रोम में बस तेरा भ्रष्ट भाव की चिता जलाता रोम रोम में बस तेरा विश्व सदा झुकता चरणों में विश्व सदा झुकता चरणों में उन्हें मर्यादा भर दो राम लो भारत के दिव्य सपूतों जीवन जीने का पैगाम लो भारत के दिव्य सपूतों जीवन जीने का पैगाम कथा पर मैं श्रद्धालुओं आज की कथा में हम अपने व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं कि आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि विगत वर्ष की भांति आपके इस नगर में ये सुंदर आयोजन किया गया है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि पुनः एक बार फिर आप सभी इस आनंद भवन में इस कथा पंडाल में बैठे हो सत्संग करने के लिए। कहते हैं कि ऐसे आयोजन ये सत्संग ये कोई आम बात नहीं होती, ये कोई छोटी बात नहीं होती। कहते हैं जब मानव के जन्म के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के उसे ऐसे अवसर की प्राप्ति होती है। भागवत जी में लिखा गया कि भाग्य बलेन बहुजन्म समर्जिते नहि सत्संगम चलवते पुरुषो जनामे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांध कारणाशम विधाय ही ततो तजते विवेक। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते नहि जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के मानव को जीवन में सत्संग मिलता है। पूछा कि सत्संग मिलता है तो सत्संग से क्या होता है तो कहा दैते विवेक विवेक की प्राप्ति होती है। जब हम आप इस आनंद भवन में बैठ करके सत्संग करते हैं तो हमें विवेक मिलता है और इस बात पर हमारे तुलसी बाबा भी मोहर लगाते हैं। बाबा ने लिखा कि बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर विवेक चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। तो आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि एक बार पुनः इसी स्थान पर मुलाकात हुई सत्संग के माध्यम से। और किसी भी ग्रंथ की कथा हो तो पहले दिन की कथा में उस ग्रंथ का महात्म्य वर्णित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार बड़े साधारण उदाहरण से आप लोगों को समझाऊं कि जैसे आपके नगर में कोई व्यापारी बाहर से कुछ सामान बेचने के लिए आए तो जब तक वो अपने सामान की विशेषता नहीं बताएगा तब तक कोई भी व्यक्ति उस सामान को खरीदने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि भाई आजकल तो लाभ का जमाना है, अगर मानव को लाभ ना मिले तो वो कोई काम करने को तैयार नहीं है या है नहीं है। तो कहते हैं जब तक वो व्यापारी अपने सामान की विशेषता नहीं बताएगा तब तक कोई भी व्यक्ति उसके सामान को लेने को खरीदने को तैयार नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार जब तक आप इस कथा की विशेषता को नहीं जानोगे, इस कथा की महत्ता को नहीं जानोगे तब तक आप मन से अनुराग से तन मन को एकाग्र करके ये कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए प्रथम दिवस की कथा में इस ग्रंथ का महात्मा वर्णित किया जाता है। चाहे मानस जी की कथा हो, चाहे भगवत जी की कथा हो, चाहे देवी पुराण की कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो,
किसी भी ग्रंथ की कथा हो, अगर आप सुनने बैठोगे तो प्रथम दिवस की कथा में उस कथा का महात्म्य बताया जाएगा। प्रायः आप भगवत जी की कथा सुनते हो तो साधारण विद्वानों ने कहा कि भय से भक्ति, जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। जिस ग्रंथ से मानव समाज को, चराचर जगत को, समूची सृष्टि को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की शिक्षा मिले, वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। कुछ अन्य विद्वानों ने दूसरा मत दिया, कहते हैं भाषे भाषा नाम सर्व वेदेषु। चार वेद होते हैं लेकिन वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका पकाया फल है, जिसको हम आप गाते भी हैं, ये पंचम वेद निराला, पंचम वेद की उपाधि भी मिल सकती है, मिली है। कहते हैं कि भाषे भाषा नाम सर्व वेदेषु, चार वेद हैं और चारों वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। कहा गैसे तो कहा गति तुरंत्याम, कहा इसका मतलब तो संतों ने कहा कि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप किया हो, जीवन पर्यंत अधर्म में रत रहा हो, लेकिन अगर अंत समय में उसने एक बार भागवत का आस्वादन कर लिया तो उसको गति मिल जाती है, वो संसार सागर को पार कर जाता है, उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति हो जाती है। कहा वैसे, कहते हैं वरेण्यम, कहा इसका आशय क्या है, तो कहते हैं चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहते हैं चारों वर्ण का मानव इस भागवत जी का वर्ण कर सकता है, हर कोई इसे सुन सकता है, हर कोई पढ़ सकता है, इसलिए वरेण्यम। कहा तैसे, तो कहते हैं तत्व दर्शनार्थम, कहते हैं तत्व दर्शनार्थम। जब हम आप पूरे अनुराग के साथ भागवत जी की कथा का आस्वादन करते हैं, परमात्मा के लालित्य में कथा का आस्वादन करते हैं, तो परमपिता परमेश्वर आकर के हमारे आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, विराजमान नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आकर के विराजमान हो जाते हैं, कहा आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। विराजमान मतलब कि आकर के बैठे, मन किया उठ के चले गए, लेकिन अवरुद्ध होने का मतलब आकर के फंस गए, फिर यहाँ से निकल के जा नहीं सकते। लेकिन हमको आपको भागवत जी की ओर ना जा करके रामचरितमानस जी की ओर आना है। ये ग्रंथ जो हमारे आपके मध्य, हमारे आपके बीच रखा हुआ है, इस ग्रंथ का आशय क्या है, इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं कि ऊपर लिखा है राम, नीचे लिखा है मानस और बीच में लिखा है चरित्र। ऊपर राम जो कि ब्रह्म है, जो कि भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, नीचे मानस, मानस का मतलब मानव समाज अथवा तो हमारा आपका मन। तो चर्चा चल रही थी, ऊपर राम नीचे मानस, राम अर्थात ब्रह्म और मानस का मतलब हमारा आपका मन अथवा तो ये जन समुदाय। कहते हैं कि ब्रह्म ऊपर है, मानव समाज नीचे है, बीच में एक चरित नाम की सीढ़ी लगाई गई है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है उसे छत पे जाने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, अथवा तो कोई छत पे खड़ा है उसे नीचे आने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, तो ठीक उसी प्रकार
राम जो ब्रह्म है, अगर उन्हें इस जन समुदाय जनमानस तक आना है तो उन्हें चरित्र रूपी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा, अथवा तो अगर हमको आपको उन तक जाना है तो भी चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा। तुलसी बाबा ने लिखा, जय गाँव यही चरित्र समान। जो व्यक्ति इस कथा का गायन करता है, इसको पढ़ता है, इसको सुनता है, उसका चरित्र सुंदर हो जाता है। कहते हैं कि रामचरितमानस जी की कथा से मानव समाज को जीवन जीने की सुंदर कला मिलती है। घर में है, परिवार में है, माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, भाई बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पास पड़ोसियों गांव नगर समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अगर इन कर्तव्यों की शिक्षा लेनी है तो किसी अन्य ग्रंथ में मत जाना, इसी रामचरितमानस में चले आना, आपको शिक्षा मिल जाएगी। हमें जीवन जीना कैसे है, संतों ने कहा कि राम चरित मानस पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा। हम आप मानस जी की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, कहते हैं, तो कहा कि राम चरित मानस पढ़ते हो राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम जी के पद चिन्हों पर चलना हमारा आपका परम कर्तव्य बनता है। जैसा जैसा परमात्मा ने किया है वैसा वैसा हम आप करें। एक संत ने बड़ा अच्छा भाव दिया, कहा कि कृष्ण भगवान ने जो कहा है उसको करो, कृष्ण भगवान ने जो किया है उसको करने की कभी मत सोचना, क्योंकि कर नहीं सकते। कहा कि कृष्ण भगवान ने जो कहा है उसको करो और राम जी ने जो किया है उसको करो। क्यों? कहते हैं कि संसार में 33 कोटि देवता हैं, सबके सब पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। सारे देवता पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। कहा अगर कोई अनुकरणीय है तो सिर्फ और सिर्फ राम जी अनुकरणीय है, बाकी और कोई अनुकरणीय नहीं है। उदाहरण में आप कृष्ण भगवान की चर्चा चले तो उन्हीं को ले लो। जन्म हुआ मात्र 6 दिन की अवस्था में कृष्ण कन्हैया पूतना का उद्धार करते हैं, क्या साधारण मानव कर सकता है, क्या कोई कभी कर सकता है? नहीं। शिव जी को ले लीजिए, हलाहल का पान कर लिया, विष का पान कर लिया, कालकूट का पान कर लिया, क्या साधारण मानव कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे हनुमान जी को ले लीजिए, पर्वत को उठा लिया, सागर को पार कर गए, लंका को जला दिया, क्या हम आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन एक राम जी ऐसे हैं कि जिनको पद चिन्हों पर अगर हम आप चाहें तो 100% नहीं तो 5% तो चल ही सकते हैं। किस प्रकार? एक बार की बात है, देखना आज के समाज में कैसी व्यवस्था चल रही है, मजहब को लेकर के, जाति धर्म को लेकर के इतना विवाद चल रहा है। जबकि कहते हैं कि वो परमात्मा एक है, कहते हैं हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। वो एक ही है, हर जगह जब जहां जैसी आवश्यकता हुई उसने रूप बनाया। वो तो अजन्मा है, उसका कोई रूप नहीं है, पर फिर भी वेद तो उसे अजन्मा कहते हैं। कहते हैं कि अलमारी में रखे गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं। क्या कभी देखा है गीता और कुरान को रख दिया जाए क्या वो आपस में लड़ते हैं? नहीं। क्या कोई झगड़ा करते हैं? नहीं। कोई बहस करते हैं? नहीं। कहा कि अलमारी में रखे गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो कभी इनको पढ़ते नहीं। अगर इनको पढ़ा जाए तो शायद समझ में बात आएगी कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं और कर क्या रहे हैं। स्वयं को ही भूल बैठे हैं और धीरे धीरे करके यूं ही लड़ाई झगड़े मार झगड़े के चक्कर में अपने जीवन को बिता रहे हैं। जबकि तुलसी बाबा ने कहा सी राम में सब जग जाने, हर किसी में परमात्मा का दर्शन करो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर हर व्यक्ति हर किसी में भगवान को देखने लगे तो झगड़ा किससे होगा? फिर तो हर कोई पूजनीय है, हर कोई वंदनीय है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। एक बार की बात है, एक मुसलमान व्यक्ति यात्रा में था, छोटे से स्टेशन पर बैठ करके ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है और
हाथ में रामचरितमानस ग्रंथ लेकर के पढ़ रहा है। उसी समय वहां पर एक हिंदू पहुंचा, उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी थी। हिंदू ने देखा कि मुसलमान होकर के हाथ में रामचरितमानस लेकर के पढ़ रहा है। तुरंत पूछा, चाचा जी आप तो हो मुसलमान और ये रामचरितमानस लेकर के पढ़ रहे हो, इसका कारण क्या है? उस मुसलमान ने कहा, देखो बेटा इसमें कहीं ये तो लिखा नहीं है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही पढ़ सकता है, और अगर बात करें तो विद्वानों के मतानुसार रामचरितमानस की शुरुआत हुई तो पहला शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवा है। इसका मतलब ये है कि हर वर्ण का मानव इसका वर्ण कर सकता है। उस मुसलमान ने कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे जीवन जीने की सुंदर कला मिलती है, मेरे मन को शांति मिलती है, मुझे अनुभव मिलता है, इसलिए मैं इसका अध्ययन किया करता हूँ। दोनों में बातें चल ही रही थी तब तक पटरी पे ट्रेन आ गई। मुसलमान व्यक्ति ने ग्रंथ बंद किया, झोले में रखा, जाकर के सीट पर बैठे ट्रेन में चढ़ के। जब 2 मिनट बाद ट्रेन चली तो देखा ये जो हिंदू का लड़का है, जो हिंदू है, ये ट्रेन में इधर उधर कर रहा है, माथे पे चिंता की रेखाएं, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। मुसलमान ने पूछा, बेटा क्या बात है? अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक क्या हो गया, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? उस मुसलमान ने कहा, उस हिंदू ने कहा, चाचा जी क्या बताऊं, स्टेशन छोटा था, ट्रेन बहुत कम देर रुकी और ट्रेन में मैं चढ़ गया, मेरा सामान चढ़ गया, लेकिन मेरी धर्म पत्नी पीछे छूट गई, अब क्या करूं, सोच नहीं पा रहा हूं। उस मुसलमान ने कहा, देख बेटा अगर जीवन में तूने एक बार भी इस रामचरितमानस की कथा का रसपान किया होता, इसको पढ़ा होता, किसी के द्वारा सुना होता, तो आज तुझसे ये भूल नहीं होती। उस हिंदू ने कहा, चाचा जी भूल मुझसे कहाँ हुई, मैं तो सामान चढ़ाने में व्यस्त था, भूल तो धर्मपत्नी से हुई जो कि वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाई, मैंने क्या किया? उस मुसलमान ने कहा, बेटा ये भूल उनकी नहीं बल्कि ये भूल तेरी है। कहा, कैसे? उस मुसलमान ने कहा, बेटा जिस समय इस ग्रंथ के नायक भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ और जब सुरसर के तट पर गए, केवट से नाव मांगा, जब केवट नाव लेकर के आया, चरण धुलने के बाद जब नाव में बैठाने लगा तो राम जी नाव में सबसे पहले स्वयं नहीं चढ़े थे, पहले भैया जानकी को चढ़ाया, पुनः भैया लक्ष्मण को चढ़ाया, सबसे अंत में स्वयं चढ़ते हैं। बेटा अगर ये बात मुझे पता होती ना तो तू ट्रेन में पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता, फिर अपने सामान को चढ़ाता और अंत में स्वयं चढ़ता तो तुझसे ये भूल नहीं होती। तो कहते हैं कि सारे देवता पूजनीय हैं, वंदनीय हैं।